गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं जीवन शतक पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश ने आज के बदलते दौर में जीवन शैली को कैसे जिया जाए, इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश जो कि IAS हैं और NCR प्लानिंग बोर्ड में कार्यरत हैं। तो वहीं सभी लोगों ने इनके जीवन शतक पुस्तक की सराहना भी की है। गाजियाबाद से ये खबर, जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया हिंदी भवन में, पुस्तक का विमोचन हुआ। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जीवन शतक के लेखक हैं राजेश प्रकाश। बता दें कि लोगों ने जीवन शतक पुस्तक की काफी ज्यादा सराहना की है। जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर मंच पर, परंपराओं को निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर आप तक बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजकमल प्रकाशन समूह आपको पुस्तक का विमोचन किया गया है। गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं जीवन शतक पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश ने आज के बदलते दौर में जीवन शैली को कैसे जिया जाए, इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश जो कि IAS हैं और NCR प्लानिंग बोर्ड में कार्यरत हैं। तो वहीं सभी लोगों ने इनकी जीवन शतक पुस्तक की सराहना भी की है। जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया हिंदी भवन में, जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जीवन शतक के लेखक हैं राजेश प्रकाश। बता दें कि लोगों ने काफी ज्यादा सराहना की है जीवन शतक पुस्तक की। ये बहुत ही समाज उपयोगी पुस्तक है, सबके सबके पढ़ने के लिए है। सबको जीवन दर्शन देगी, सबको जीवन मार्ग देगी। धन्यवाद। बस यही है कि इस पुस्तक को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उसमें जो बातें लिखी है उसको अपने जीवन में उतारें। मकसद बहुत साफ है कि कैसे मानवीय जीवन को और बेहतर हम बना सकते हैं। ये हमेशा से अकेडमिया और विद्वानों का प्रयास रहा है कि मानव जीवन बेहतर से बेहतर हो, उसी श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी है। लेकिन आज की जो शैली है जीवन की, जीने की, पहले में और अब में कितना फर्क मानते हैं और इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? इस पर लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कैसे अपने जीवन को संवारें, जीवन को बिगाड़ें नहीं, संवारें। जीवन बड़ा कीमती है।